समझते हैं कि किसी भी टीमों की जो टूर्नामेंट होने जा रहे हैं 16 क्लब पार्टिसिपेट करेंगे और कराची के टॉप क्लब्स होंगे, इसको कैसे देखते हैं? देखिए ऑर्गेनाइजर के लिए एक बहुत बड़ी अच्छी बात है, क्लब क्रिकेट को इस लेवल के ऊपर लाना। और अभी जितना बता रहे थे कि इसके सेमीफाइनल लोग आगे टीवी के ऊपर आएंगे, जब क्लब लेवल के ऊपर प्लेयर अपने आप को टीवी के ऊपर देखते हैं और उस चैनल पर देखते हैं जिसे 72 ममालिक में देखा जाता है, तो बड़ा इंक्रेजमेंट मिलता है प्लेयर्स को और प्लेयर्स बड़ी मोटिवेट होता है। और कराची की क्रिकेट स्पेशली क्यों कह देंगे, क्लब लेवल की क्रिकेट बहुत पीछे आ गई थी, अब आहिस्ता आहिस्ता इस तरीके से जब ऊपर जाने की कोशिश की जाएगी तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला कराची की क्रिकेट भी तरक्की करेगी, कराची में प्लेयर्स भी अच्छे आएंगे, क्योंकि कराची के अंदर प्लेयर जो है वो कराची के नहीं होते हैं, पूरे पाकिस्तान से प्लेयर्स यहाँ आते हैं, अपनी राह शिकार करते हैं, फिर मुख्तलिफ क्लब ज्वाइन करते हैं और फिर उसके बाद जो है कराची की क्रिकेट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इससे जो है कराची जो है पूरे मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो यहाँ के क्रिकेट के प्रमोशन के लिए ये टूर्नामेंट समझ लें कि एक जान होगी क्रिकेट के अंदर, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस टूर्नामेंट के बाद जो है एक नई रूह पहुँची जाएगी।